अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सालिहा डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपने व्यूवर्स को 7 साल की बच्ची के लिए लॉन फैब्रिक में स्टाइलिश शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ये देखें व्यूवर्स, ये हमने लॉन फैब्रिक 2 गज ली है और ये हमने एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक 1.25 गज लिया है। ये काफ़ी चौड़े अर्ज में है जिससे हमारी फ्रंट और बाजू की डिज़ाइनिंग हो जाएगी। और ये हमने 4 गज पाइपिंग ली है, इसके लिए हमने ये 3 बटन लिए हैं जो हम फ्रंट पर लगाएंगे। और ये 2 गज सीढ़ी लैस ली है, फ्रंट और बैक के दामन में लगाएंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको शर्ट का साइज़ बता देती हूँ। शर्ट की लेंथ हम 31.5 इंच पर रखेंगे, तीरा हम 12 इंच पर रखेंगे, चेस्ट हम 15 इंच तैयार करेंगे, फिटिंग हम 13.5 इंच पर रखेंगे, बाजू हम 14 इंच तैयार करेंगे, दामन हम 19 इंच पर तैयार करेंगे। अब हम कटिंग की तरफ चलते हैं। ये 3.5 इंच का हमारा यहाँ बॉर्डर लगा हुआ है, सबसे पहले हम इसको उतारेंगे यहाँ कटिंग का मार्जिन रखते हुए। 19 इंच पर हमने दामन तैयार करना है तो सिलाई का मार्जिन रखते हुए 20.5 इंच पर हम कटिंग करेंगे। इस तरह हम फ्रंट और बैग अलग कर लेंगे। ये देखें, ये फ्रंट और बैग के पार्ट को हमने फोल्ड करते हुए अलग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तीरे का निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे, आर्म होल का निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। शर्ट हमारी फोल्डिंग में है, चेस्ट का साइज़ हमने 15 रखना है तो मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और यहाँ मार्जिन सिलाई का रखते हुए 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान हम 7.25 इंच पर लगाएंगे। हिप के साइज़ के लिए हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह हम निशान लगा लेंगे। ये ऊपर का पार्ट हमने 28 इंच पर कटिंग किया है और नीचे बॉर्डर लगाते हुए ये 31.5 पर तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ राउंड में निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। यहाँ हम 1.25 इंच की दूरी पर कटिंग करेंगे। डेढ़ इंच की दूरी पर यहां से कटिंग करेंगे। यहां से हमने 7.5 इंच पर कट का निशान लगाना है। ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम 10.5 इंच पर एक कट लगाएंगे जहां हमने सिलाई रोकनी होती है। और अब फ्रंट का पार्ट अलग करते हुए फ्रंट के आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक नीचे रखा है और ये फ्रंट का पार्ट रखते हुए इस तरह हम कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट के गले की कटिंग करेंगे। जहां चौड़ाई में हमने 2.5 इंच पर निशान लगाना है और गहराई के लिए हमने 3.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह हम यहां से गुलाई लेंगे और कटिंग करेंगे। अब हम एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम 3.5 इंच पर चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे और 6 इंच पर गहराई के लिए निशान लगाएंगे।
अब हम यहाँ से इसको ओपन करते हुए कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, फ्रंट के हमारे दो पार्ट हैं। एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को हमने लॉन के पार्ट से चौड़ाई में एक इंच कम रखना है, इसलिए हम यहाँ से एक इंच की दूरी पर कटिंग करेंगे। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। 14 इंच हमने बाजू तैयार रखने हैं, तो ये सिलाई और कटिंग का मार्जिन रखते हुए हमने 16 इंच पर इसको कटिंग करना है। यहाँ से हम 3 इंच पर कटिंग शुरू करेंगे। यहाँ से हम हल्की सी बेल शेप देते हुए कटिंग करेंगे। ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम ये गोल गला तैयार करेंगे। इसके लिए हम पाइपिंग को इस तरह रखते हुए सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह पलट लेंगे। इसके बाद हम एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट पर ये पाइपिंग लगाएंगे, ऐसे ही यहाँ तक लेकर इस तरह करते हुए हमने यहाँ तक, यहाँ से 8 इंच के फासले पर हमने ये पाइपिंग ख़त्म करनी है। इसी तरह हम दोनों तरफ लगाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने फ्रंट का गला रेडी कर लिया है और साथ ही हमने ये सीढ़ी लैस लगाते हुए बॉर्डर को भी अटैच कर लिया है। ये देखें, इस पाइपिंग को इस तरह रखते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह मोड़ेंगे और ऊपर इसको पक्का करने के लिए एक और सिलाई लगाएंगे। और ये देखें, यहाँ हमने 8 इंच तक आकर ये ख़त्म कर दी है पाइपिंग। अब हम फ्रंट के पार्ट को इस तरह रखते हुए बैक के गले की कटिंग करेंगे। इस गले का निशान हमने 2.25 इंच पर लगाया है। अब इस 2.25 इंच से आगे हम 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ 3 इंच के फासले पर एक स्लिट खोलेंगे और बटन लगाएंगे सर गुजारने के लिए। ये बैक का गला तैयार करने के लिए हम उरेब में पट्टी की कटिंग करेंगे। ये पट्टी हमारी यहाँ फिक्स होगी और यहाँ के लिए हमने एक और स्ट्रिप की कटिंग की है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने उरेब वाली पट्टी को बैक के गले पर फिक्स कर लिया है और साथ ही हमने ये फ्रंट का दूसरा पार्ट भी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर लिया है। ये देखें, इसके बाद अब हम फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइंट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने दोनों गलों को आपस में ज्वाइंट कर लिया है और ये बैक के गले की यहाँ पर हमने सिलाई भी लगा ली है। इसके बाद ये 2 इंच की हमने स्ट्रिप कटिंग की है जो हम यहाँ लगाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये पट्टी लगाते हुए एक साइड से हमने अंदर की तरफ मोड़कर ऊपर से सिलाई लगा ली है और एक साइड से हमने सिलाई नहीं लगाई। इसको इस तरह करते हुए बाहर की तरफ यहाँ सिलाई लगानी है आप, और इस तरह हमारी ये बटन टेक लगेगी। ये देखें, ये हमने बैक की बटन टेक लगा ली है। अब इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब हम इंची टेप को इस तरह सेंटर में रखते हुए, चेस्ट का साइज़ हमने 15 रखना है, 7.5 को सेंटर में रखते हुए हम यहाँ निशान लगाएंगे और ऐसे ही अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे 5.5 पर। और यहाँ से सेंटर करते हुए हमने 13.5 इंच पर निशान लगाना है, तो हम 7.25 इंच पर इंची टेप को रखेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे। हिप का साइज़ हमने 17 इंच रखना है। ऐसे ही इंची टेप को सेंटर में रखते हुए हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे।
ये निशान लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाते ही हमने नीचे से घेर और चाक को भी फोल्ड कर लेना है। ये देखें व्यूअर्स, ये फिटिंग की सिलाई लगाते हुए हमने घेर चाक मोड़ लिए हैं। अब इसके बाद हम बाजू स्टिच करेंगे। अब यहाँ से सिलाई लेते हुए यहाँ आके रोकनी है और इसका साइज लेना है। इस तरह सेंटर में रखते हुए जहाँ तक साइज होगा उधर हम निशान लगा लेंगे और सिलाई अपनी ख़त्म कर देंगे। बाजू और शोल्डर को सेंटर में रखते हुए हम राउंड में सिलाई लगाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने बाजू स्टिच कर लिए हैं और साथ ही हमारी शर्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, ये फ्रंट का पार्ट अलग है, हमने साथ स्टिच नहीं किया। ये देखें, ये शर्ट बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।